दोस्तों हम आए हैं नगरीय परिवार कल्याण केंद्र हरू नगला में और मेरे पीठ के पीछे देख रहे हो डॉक्टर हरमीत पुरी बैठी हुई हैं। ये डिस्टेंस मेंटेन करती हैं, दूरी बनाए रखती हैं और साथ ही सेवा भी कर रही हैं। बरेली के प्रभा टाकिज के पास से जब कार से निकलती हैं तो रास्ते में जगह जगह लोगों को शिक्षा देती हुई आती है। हम आपको इस खबर में दिखाने जा रहे हैं सैटेलाइट बस अड्डे पर कैसे डॉक्टर हरमीत पुरी ने अपनी कार में बैठे बैठे ही एक पुलिसकर्मी को वर्दीधारी को समझाया था कैसे दूरी बनाए रखी जाए, कैसे इस बीमारी से बचा जाए। आज हम बात करना चाहेंगे डॉक्टर हरमीत पुरी से कि वो आपके लिए क्या पैगाम क्या मैसेज देना चाहती हैं, साथ ही अस्पताल में किस प्रकार से सेवाएं दे रही हैं। आइए जुड़ते हैं डॉक्टर हरमीत पुरी से। हम आए हैं नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरू नगला और ये वो सेंटर है। नीले रंग की गाड़ी खड़ी हुई देख रहे हैं आप, ठीक है डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगी? लोग आप आ रही हैं रास्ते में, लोगों को टीचिंग कर रही हैं, क्या बता रही हैं लोगों को? ऐसा है, मैं हरू नगला में यूपीएससी में एमओआईसी हूँ। मैं यहाँ रोज आती हूँ और मैंने मास्क अभी बोलने के लिए निकाला है। मैं रोज आ रही हूँ। रास्ते में जब पहला 2-3 दिन लॉकडाउन का था तब मैंने देखा था पुलिस कर्मी भी हमारे डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते। मैं रुक रुक के उन्हें समझा रही थी, ये मेरी मॉरल ड्यूटी है, मैं इस देश की सिटीजन हूँ और मेरी ड्यूटी बनती थी उन्हें समझाना। जब भी मैं ग्रुप्स को देख रही थी शुरू के लॉकडाउन के दिनों में, मैंने खूब उन्हें समझाया और 2 दिन से मैं देख रही हूँ ये देश के वासी अब समझ चुके हैं। अब मैं देखती हूँ ग्रुप्स में भी लोग 1 से 2 मीटर की दूरी रख रहे हैं। वेरी गुड, वेरी वेरी हैप्पी कि हमारे देश के वासी अब ये समझ चुके हैं। हमारे माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगी कम्युनिटी के लिए? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि देखिए कोरोना महामारी है, बिल्कुल महामारी है। आप लोग घर से ना निकलिए क्योंकि ये छूने से कैरियर से आपको पता नहीं कौन कैरियर है। कैरियर को सिम्टम्स नहीं होंगे लेकिन कैरियर आपको बीमारी फैला सकता है। ये टच से भी होती है और ये जब आप खांसो और छींको तो हमेशा मास्क पहनो। नहीं है मास्क आपके पास कोई बात नहीं, आप छींकिए छींकेंगे या खांसेंगे तो ऐसे करके अपने इसमें आपको खुद स्वयं अपने आप को बचाना है। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ। आप अपने हॉस्पिटल के जरिए इस समय क्या सेवाएं दे रही हैं पब्लिक के लिए? देखिए मैं ये बता रही हूँ, जिस दिन पहला केस आया था इंडिया में केरला में, उससे पहले मैंने अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देना चालू कर दिया था और आज मेरा स्टाफ पूरा 100% ट्रेंड है। मेरे फार्मासिस्ट की कल कोरोना वार्ड में ड्यूटी लगी थी और वो इतना कॉन्फिडेंट था, ये मैं अपने आप को प्राउड फील करती हूँ और अपने सेंटर को प्राउड फील करती हूँ कि मेरा स्टाफ ने मेरा पूरा कहना माना और आज मेरा स्टाफ ये स्टाफ हरू नगला का सबसे बढ़िया बेस्ट ट्रेंड है। डॉक्टरों को ये मैसेज देना चाहती हूँ, डॉक्टर्स सिस्टर्स और पूरे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, हम सब जुट के इस बीमारी से लड़ सकते हैं। हम एक सोल्जर हैं, हम इसको एक आर्मी बनकर इस दुश्मन को हराएंगे। जैसे एक सोल्जर गोली मार के दुश्मन को हराता है, हमें डरना नहीं है। अगर हम एकजुट हो जाएंगे कोरोना को हम हरा देंगे। देख लेना ये कोरोना का नाश हो जाएगा अगर हम सब एकजुट जाए तो। थैंक यू। चल रहे नगरीय परिवार कल्याण हरू नगला के केंद्र के अंदर जहाँ डॉक्टर हरमीत पुरी मौजूद है और पूरा डिस्टेंस देखिए मेंटेन कर रखा है। अस्पताल के अंदर डॉक्टर हरमीत पुरी इसका संचालन कर रही है और यह तमाम स्टाफ मौजूद है दूरी बनाए रखते हुए। हम अस्पताल में दिखा रहे हैं, पैथोलॉजी लैब है, पंजीकरण है, अब बहुत बढ़िया अस्पताल चल रहा है डॉक्टर हरमीत पुरी के निर्देशन में। पूरा स्टाफ 100% इस कोरोना वायरस के दौरान भी मौजूद है। सरता झा मौजूद है, यहाँ की आशा है, पूरा स्टाफ, बाकी फार्मासिस्ट। ये मेरी सिस्टर है, ये रश्मि है, सिस्टर मुंह दिखाओ, और ये हमारे सीनियर एरिया में इधर आएंगे, ये 60 साल के ऊपर की है, डायबिटीज है, हाइपरटेंसिव है, लेकिन इनको ट्रेनिंग इतनी अच्छी दी है, इनको ट्रेनिंग इतनी अच्छी दी है कि आज ये फिर भी डरे बिना आई है, अपनी जान की परवाह न करके हाइपरटेंसिव डायबिटिक के लोगों को आज हरू नगला सेंटर हाउस से पूरा लिस्ट लाई है बीमारी। अच्छा अच्छा कोई आपको डर तो नहीं लगा कोरोना के बारे में जिस आप ट्रेनिंग है? डर शुरू में डर तो प्रिकॉशन ले रहे हैं, डर तो है ही, लेकिन हम प्रिकॉशन ले रहे हैं, मैम हमें सिखा रही है और वैसा ही।
जब ये पहला केस भी इंडिया में नहीं आया था, इनको सिखाना चालू कर दिया था। मेरा रोज यही था काम, इनको इतना मैंने ट्रेन कर दिया कि आज ये कोरोना वार्ड में पूरे ट्रेन हो चुके हैं सेवाएं देने के लिए। हमारी रश्मि सिस्टर की ड्यूटी लगने वाली है वहाँ ही, आज हमारा फार्मासिस्ट की नाइट ड्यूटी हो चुकी है और आज वो नाइट करेगा। बिल्कुल डरा नहीं, बहुत कॉन्फिडेंट है। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग पूरे, आप लोग सब ट्रेन हो चुके हैं और बिल्कुल, हाँ आप कॉन्फिडेंट है मेरी, यस। आज हमारे अरुणंगला सेंटर के फार्मासिस्ट बिल्कुल अपना ये बेस्ट फार्मासिस्ट होंगे पूरे सेंटर से। ये फार्मासिस्ट मिस्टर वीरेश जी की ड्यूटी लगी है कोरोना क्वारंटाइन सेंटर में और इन्हें पता है ये क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे, आप ताकि क्लियरली आपकी आवाज सुने। हम लोग ने तो 1 मीटर का डिस्टेंस 1 महीने से ज्यादा रखा है, आप थोड़ा मास्क नीचे करके बताइए क्या क्या करेंगे वीरेश जी। हाँ जी, सबसे पहले अपनी बॉडी को कवर करना है। वेरी गुड गुड, वेरी गुड, फुल सॉफ्ट। हम इन्हें बेस्ट ऑफ लक देते हैं, हमारे तरफ से इनकी पूरी शुभकामनाएं हैं, अरुणंगला स्टाफ के तरफ से हम इन शुभकामनाएं देते हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई स्टाफ वीरेश। अब उसके बाद सिस्टर रश्मि की भी ड्यूटी लगेगी, तो आप सब लोग, हमारा पूरा सेंटर इन्हें प्रोत्साहित करेगा और इन्हें बेस्ट ऑफ लक करेगा। बेस्ट ऑफ लक वीरेश, बेस्ट ऑफ लक। अगर हम सब डॉक्टर्स हेल्थ वर्कर्स इकट्ठे मिल जाएं इस कोरोना को हम हरा देंगे, हराएंगे रश्मि, हरा देंगे और इस देश की, इस दुनिया की जीत होगी, कभी ना कभी तो जीत होगी। इस कोरोना से हमें नहीं डरना है, ठीक है, इस कोरोना को हम हरा देंगे। थैंक यू। आप उनको बोलो 1 मीटर की दूरी करो, बस इतना काम करो, 1 मीटर की दूरी। अभी योगा है, किस तरह का है?